वेलकम टू माई चैनल लाजवाब। जैसे कि आप सभी ही जानते हैं कि आज ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या का 13वां बर्थडे था, तो आज ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी आराध्या का बर्थडे भी इस साल अपने मॉम के घर पर विश किया। यही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय की बात की जाए तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी है कि ऐश्वर्या राय ने पिछले 2 साल से अभिषेक बच्चन का घर छोड़ दिया है और बच्चन परिवार से अपने सारे रिश्ते और नाते खत्म करके अपने मॉम के घर पर रहने लगी है। ऐश्वर्या राय आज जब अपनी बेटी आराध्या का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आई तो बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आई। यही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय की बात की जाए तो आज ऐश्वर्या राय अपने फादर की पिक्चर के साथ खड़े होकर उससे अपने दिल की सारी बातें कहकर रोने लगी और ऐश्वर्या राय अपने फादर से ये भी कहने लगी कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी बिल्कुल टूट चुकी है। ऐश्वर्या राय की बात की जाए तो ऐश्वर्या राय ने हमेशा से बच्चन परिवार को जोड़कर रखा था। यही नहीं बल्कि इस सारे रीजन की वजह है कि अभिषेक बच्चन का पिछले काफी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे थे, जिसके बाद ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में नाराजगियां इस हद तक बढ़ चुकी कि ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन का घर छोड़ दिया। आज जब ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या का 13वां बर्थडे अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आई तो इस बात को हवा तब लगी जब ऐश्वर्या राय इस साल भी अपनी बेटी का बर्थडे अपनी मॉम के घर पर सेलिब्रेट कर रही थी। काफी लोगों ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी को लेकर तरह तरह की बातें की, लेकिन अभिषेक बच्चन का इस बारे में कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। अब देखना यह है कि क्या इस साल भी अभिषेक बच्चन अपनी बेटी आराध्या को बर्थडे विश करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।